चले, अगर अपन बात करें तो अपन क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेंगे। क्वाड्रेटिक का 4.3 का बहुत सारा पार्ट बन चुका था, तो 4.3 एक्सरसाइज के स्पेशल क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पे वर्क करेंगे। 4.3 के स्पेशल क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पे वर्क करेंगे अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो। सर ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन नंबर 9th है। क्वेश्चन नंबर 9th बोलता है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, मतलब दो पानी के अंदर, एक बड़े डायमीटर का शायद एक अच्छा मोटा पानी का टैंक है और एक छोटा सा वाटर पाइप, ठीक है ना। तो टू वाटर पाइप टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3 बाय 8 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, 8 9 से कितना हो गया, 72 प्लस 3 इज व्हाट, 75 बाय 8 आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर। मतलब अगर ये एक्स आवर्स में अकेला पूरा टंकी को भर देगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, x-10, क्योंकि बड़ा है ना, इसका मुंह बड़ा है तो इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, बाकी ना। तो अगर ये एक्स आवर्स में भरेगा तो ये कितने आवर्स में भर देगा, x-10, क्योंकि इसको टाइम क्या लगेगा, कम। सर ये तो बात सही है, मैंने बोला हाँ। अब अगर मैं बात करूं कि टैप 1 या टैप 2, 1 आवर में कितना पानी भरेंगे, तो सर टैप 1, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, कोई भी नल अगर मैं आपसे बात करूं, 5 घंटे में पानी की टंकी पूरी भर देता है, मानो, तो बताओ उसने 1 घंटे में कितनी पानी की टंकी भरी, 1/5। अगर कोई भी नल 2 घंटे में पानी की टंकी भर देता है तो उसने 1 घंटे में कितनी भरी, 1/2। 1/ कितना, 2। तो अगर टैप 1 एक्स आवर्स में पानी की टंकी भर रहा है तो वो उसने 1 आवर में कितना भरा होगा, 1/x। टैप 2 अगर x-10 आवर्स में पानी की टंकी भर रहा है तो उसने 1 आवर में कितना भरा होगा, 1/(x-10)। तो ये 1 घंटे में इतना भर रहा है और ये 1 घंटे में इतना भर रहा है। चलो अब अगर दोनों रिमझिम रिमझिम साथ में ही शुरू हो गए पानी भरना, अगर मैं बात करूं कि दोनों के दोनों रिमझिम रिमझिम पानी भरना साथ में शुरू हो गए, तो क्या साथ में चलेंगे, मैंने बोला हाँ। कितने घंटे के लिए, तो सर 75 बाय 8 आवर्स के लिए। कितने घंटे के लिए, 75 बाय 8 आवर्स के लिए। तो मैंने बोला चलो टैप 1 1/x, टैप 2 1/(x-10)। कितने घंटे के लिए, सर 75 बाय 8 आवर्स के लिए, तब जाके पानी की टंकी पूरी भरेगी, जिसको अपन इक्वल टू क्या बोल देते हैं, 1, इक्वल टू क्या बोलते हैं, गॉट इट। तो सर अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मैंने बोला हाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आप अलाउ करो तो यहाँ का एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, x-10 ये चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, x/x कितना, x-10। सर क्या इसी को एलसीएम लेना कहते हैं, मैंने बोला हाँ इसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम लेना। 75 बाय 10 इज इक्वल टू कितना, 1, इक्वल टू कितना, 1। तो सर अच्छी बात तो ये है, मैंने बोला हाँ देखो बात तो खैर अच्छी है। तो सर कहीं ना कहीं अगर हम आपसे बात करें तो 75 बाय 8, x+x कितना हो, 2x-10, ये ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आ जाएगा, x2-, कितना, 10x इज इक्वल टू कितना, 1। तो सर इस पूरे को अगर अपन देखें तो इसके अंदर तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट इसको ले गया उधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 × 2 इज 150x-, कितना, 750 इज इक्वल टू 8x2- व्हाट, 80x। 8x2- कितना, 80x। तो सर अगर अपन सिस्टमेटिक बात करें तो 8x2 ये भी उधर आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 230x, मतलब 80 और कितना, 150, तो कितना हो जाएगा, 230x माइनस 750 इक्वल टू कितना, 0। दोस्तों अगर अपन देखें तो 750 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका 6000। इसको ऐसे तोड़ना है कि 6000 है, तो मैं तो सोच रहा हूँ इसको 230 में तोड़ देंगे, 8x2-200x-30x+750 इज इक्वल टू कितना, 0।
अब अगर सर अपन बात करें तो यहाँ पे आप एट एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में एक्स माइनस 25, माइनस 30 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में एक्स माइनस 25 इज इक्वल टू, तो एट एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस 25 इक्वल टू कितना, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो सर जो लार्जर डायमीटर वाला, जो स्मॉलर डायमीटर वाला टैप कितना ले रहा है, 25 घंटे। तो सर एक्स अगर एक टैप 25 घंटे ले रहा है, दूसरा टैप कितना लेगा, एक्स माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10, तो कितना 15 आवर्स। सर क्या ये क्वाड्रेटिक थी? मैंने बोला हाँ यार दोस्तों ये क्वाड्रेटिक थी, इजी थी। आपने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 8x, तो यहाँ कितना बच गया x, और ये x के टेबल में 25, ठीक है ना, इसमें से क्या कॉमन ले लिया 30, तो x के टेबल में कितना 25। क्या यहाँ तक का क्लियर हुआ क्या? चलो सर समझने चले, अगला क्वेश्चन मेरे बहुत दिल के करीब है, देखिए जरा। आपको क्वेश्चन नंबर लेके चलूंगा 11th। तो सर क्वेश्चन नंबर अगर अपन 11th की ही बात करें अच्छे से, कि सर आप किस तरफ ले जाना चाहते हो, मतलब देखो ना यार दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11th की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11 जा रहा है इस प्रकार से। अगर अपन बात करें कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 460, मतलब एरिया वन और एरिया टू इज इक्वल टू कितना, 460। आपको बोला है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, मतलब पेरीमीटर वन माइनस पेरीमीटर टू इज इक्वल टू कितना, 20। अब अगर मैं स्क्वायर वन का पेरीमीटर मानू तो कितना हो जाएगा, 4x, और ऐसा कितना आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू 20। तो सर अगर आप 4 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 24। ये 1 जा और ये कितना, 6 जा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 6, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y प्लस 6। हाँ तो एक ही बात होती है वैसे वो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इसका कितना एरिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 468, क्योंकि एरिया के लिए तो स्क्वायर करना पड़ता है आके ना। तो सर आपके पास अच्छी बात बताऊँ क्या होगी, x की वैल्यू क्या आ चुकी, वाई प्लस सिक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी, वाई प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 468। से इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 460। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस ये जो 36 है यहाँ पे माइनस 468 इक्वल टू जी, चले दोस्तों अगर अपन इसको ले तो मेरी तो पता नहीं क्यों इसको और अच्छे से ले, तो 2y स्क्वायर प्लस कितना 12y चल रहा है, और 36 माइनस 468 तो कितना हो जाएगा, माइनस 432 इज इक्वल टू कितना जी। 2 कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू कितना, 6 को ऐसे तोड़ना है कि 216 आ जाए, 6 को ऐसे तोड़ना है कि अगर अपन बात करें तो 216 आ जाए, तो शायद 18 × 12, तो शायद वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y इज माइनस 216 इज इक्वल टू कितना, 0। सर बातें तो अच्छी हैं, मैंने बोला हाँ बातें तो अच्छी हैं, अगर अपन लेके चले इसको ढंग से तो y ब्रैकेट में कितना, y प्लस 18 माइनस 12 ब्रैकेट में कितना, y प्लस 18 इज इक्वल टू कितना, 0। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे y माइनस 12 y प्लस 18 इक्वल टू कितना, 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 12। सर अगर हम सिस्टमेटिक बात करें तो एक स्क्वायर की साइड कितनी हो, 12, और दूसरे स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 6 तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 18। तो सर क्या ये अच्छा क्वेश्चन था? मैंने बोला हाँ मुझे तो अच्छा लगा। अगला मेरे दिल के बहुत करीब एक एग्जाम्पल है, अगर आप लोग
चलना चाहेंगे और करना चाहेंगे तो यू विल लव दैट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 15, बहुत टाइम की एग्जांपल है दोस्तों। अब बोला अब मोटर बोट हूज स्पीड, अ मोटर बोट हूज स्पीड, अ मोटर बोट हूज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, बोलकर 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स वन आवर लेस, टेक्स वन आवर लेस टू गो डाउनस्ट्रीम देन टू रिटर्न अपस्ट्रीम, देन टू रिटर्न। अभी सर इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं तो डाउनस्ट्रीम में आप पानी के बहाव के साथ जाते, तो एक आपकी स्पीड अगर एक्स होती है तो उसमें वाई का प्लस, सर अपस्ट्रीम में आप पानी के बहाव के अगेंस्ट जाते तो वो क्या होती है एक्स माइनस। इसमें बोट की स्पीड गिवन है कितनी 18, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 18 प्लस वन, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी 18 माइनस वन। सर टाइम का डिस्टेंस कितना दिख रखा है आपको, बना ठीक है ना, और डिस्टेंस दिख रखा है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। सर डिस्टेंस दिख रखा है मैंने बोला हाँ, अभी टाइम का लॉजिक क्या है, टाइम वन माइनस टाइम टू इज इक्वल टू कितना बोल के रखा है वन, टाइम वन माइनस टाइम टू इज इक्वल टू कितना, तो सर टाइम पहले कितना लग रहा था 24 अपॉन में 18 माइनस वन, टाइम बाद में कितना लग रहा है 24 अपॉन में कितना 18 प्लस वन इज इक्वल टू कितना वन, तो 24 अपॉन में 18 माइनस वन माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस वन, सब ब्रैकेट में 1 अपॉन में 18 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 1। सर ठीक है बातें तो अच्छी हैं, मैंने बोला हाँ मतलब बात तो अच्छी ही है और काफी अच्छी है, तो 24 यहाँ पे आप ले लो 18 प्लस वाई, यहाँ पे आप ले लो 18 माइनस वाई, दिस होल अपॉन 18 प्लस वाई इंटू 18 माइनस, क्योंकि सर ये यहाँ पे चला गया और ये कहाँ चला गया यहाँ पे, तो सर बातें तो खैर अच्छी हैं, मैंने बोला हाँ बातें तो खैर अच्छी हैं, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा y प्लस y हो जाएगा, तो 24 इंटू कितना हो गया 2y अपॉन में क्या चल रहा है a प्लस b और a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1, तो सर 24 इंटू 2 इज 48y इज इक्वल टू, ये चला गया उधर तो हो जाएगा 324 माइनस कितना y, तो सर आप समझाना क्या चाहते हो, मैंने बोला यार समझो यार अगर अपन बात करें तो इन सबको इस तरफ ले लेते हैं y स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इक्वल टू कितना 0, अभी सर 324 चाहिए सर कहाँ से आएगा, अगर मैं आपसे बात करूँ वो भी माइनस के साथ, तो अगर अपन 54 इंटू 6 देखें तो y स्क्वायर प्लस 54y माइनस कितना 6y माइनस कितना 324 इज इक्वल टू कितना 0, y को ब्रैकेट में ले लिया तो y प्लस कितना 54 माइनस 6 y प्लस कितना 54 शायद इज इक्वल टू कितना 0, तो सर इस पूरे क्वेश्चन की मदद से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास y माइनस 6 और y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना 6 और यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना माइनस 54, y इज इक्वल टू कितना माइनस 54, सर ये बात भी सही है मैंने बोला हाँ, तो आपको अल्टीमेटली स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए जो कि कितनी थी y, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई आपके पास 6, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई आपके पास 6, अच्छा क्वेश्चन था मैंने बोला हाँ, अगर मैं बात करूं